देखो ललित, आज अपन कर्सिव सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? कर्सिव राइटिंग। ठीक है, तो कर्सिव राइटिंग सीखने के लिए देखो सबसे पहले अपन सीखेंगे ए फॉर एप्पल। तो ए फॉर एप्पल कैसे बनाते हैं, जो भी देखो वीडियो देख रहा है वो अपने बच्चों को सिखा सकता है कि कर्सिव राइटिंग कैसे सिखाई जाती है। आज मैं मेरे बच्चे को सिखा रहा हूँ राइटिंग। तो सबसे पहले देखना ऐसे बनता है, देखो इधर देखो ललित, ये देखो ए फॉर एप्पल बनाना है तो सबसे पहले ऐसे घुमाना है, फिर बिल्कुल ऐसे ऊपर जाना है और यहाँ वापस आना है नीचे, और उसके बाद में ऐसे मोड़ करके ये इतना बनाना है। ये क्या बन गया? ए फॉर क्या बना? ए फॉर एप्पल बन गया। इसके बाद में क्या बनाएंगे अपना? बी फॉर बॉल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो बी फॉर बॉल बनाएंगे। ऐसे बनाया पहले तो ball. फिर देखो ऐसे घुमाया और सेकेंड ऐसे घुमा करके अंदर की ओर मोड़ के छोड़ना है। बी फॉर बॉल। अगला बनाना है सी फॉर कैट। देखो ललित ऐसे बनाएंगे सी फॉर कैट को, ऐसे मोड़ेंगे फिर यू नीचे आना है सेकेंड लाइन में और यहाँ जा करके छोड़ देना है। ये क्या बन गया? सी फॉर कैट बन गया। आगे क्या बनेगा? अगला क्या आता है? डी फॉर डॉग। डॉग बनाने के लिए देखो ऐसे बनाएंगे, पहले ऐसे लाइन खींचेंगे नीचे ऐसे सीधी, फिर यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे, इधर मोड़ करके फिर ऐसे ही ऊपर बढ़ना है वापस, यहाँ से बाहर निकालना थोड़ा सा और ऐसे मोड़ करके बनाना है। डी फॉर डॉग बन गया। डी फॉर डॉग के बाद में बॉय। ए फॉर एलिफेंट क्या आता है? एलिफेंट। तो एलिफेंट बनाने के देखो सबसे पहले अपन ऐसे बनाएंगे, ऊपर से यूं मोड़ेंगे थोड़ा सा, फिर ये ऐसे एक, फिर ऐसे दूसरा बना करके यूं ऊपर जाएंगे और यहाँ ला करके ऐसे मोड़ देंगे। ई फॉर एलिफेंट बन गया। इसके बाद बनाना है एफ फॉर फिश। तो यहाँ से ऐसे मोड़ करके यूं थोड़ा सा नीचे लाएंगे लाइन को, इधर ले जा करके घुमाएंगे और ऐसे ला करके यहाँ अपन ऐसे छोड़ देंगे, फिर बीच में से यहाँ की लाइन खींचेंगे और ऐसे बनाएंगे एफ फॉर फिश। इसके बाद में बनाना जी फॉर ग्रेप्स बनाना ललित। तो देखो जी फॉर ग्रेप्स ऐसे बनता है, यू बनाना है पहले तो, फिर सेकेंड लाइन में नीचे आना थोड़ा सा, फिर ऊपर वापस ऊपर जाना है, फिर नीचे आ करके ऐसे घुमा करके इसको छोड़ देना है। ये क्या बन गया? जी फॉर ग्रेप्स। इसके बाद क्या बनाना है? एच फॉर एन। तो ऐसे पहले एक लाइन बनाएंगे एच फॉर एन के लिए, फिर इधर ऐसे उल्टा सी बना लेंगे। ठीक है, एक मिनट से ही बना लेते इसको अपन। ऐसे बनाएंगे सी, इसके बाद में ये लगाएंगे लाइन, एच फॉर एन बन गया। इसके बाद क्या बनाना है? आई फॉर आइसक्रीम। तो ऐसे बनाएंगे और नीचे ला करके बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा मोड़ के छोड़ देंगे, बन गया आई फॉर आइसक्रीम। इसके बाद क्या बनाएंगे? जे फॉर जग। तो ऐसे बनाएंगे जे फॉर जग, यूँ लाएंगे नीचा ऐसे ला करके इधर निकाल के छोड़ देंगे, जे फॉर जग। फिर क्या बनाना है? के फॉर काइट। तो ऐसे लाना है देखो, यूँ घुमाना है। ठीक है, इसके बाद में ऐसे ले जाना है और यहाँ ला करके यूँ ला करके ऊपर ला करके ऐसे बोर्ड के छोड़ देना, के फॉर काइट। अब क्या बनाना है? एल फॉर लोयन। तो ऐसे बनाना है, यूँ जा करके ऊपर छोड़ना, एल फॉर लोयन। इसके बाद में एम फॉर मंकी। तो देखो एम फॉर मंकी ऐसे बनता है, यहाँ सीधे ऊपर जाएंगे, फिर बिल्कुल ऐसे सीधे नीचे आएंगे, फिर वापस ऐसे ऊपर जा करके तिरछा नीचे आना है और यूँ मोड़ करके ऐसे छोड़ना, एम फॉर मंकी बन गया। इसके बाद देखो एन फॉर नेस्ट बनाना है, तो ऐसे मोड़ कर ऊपर जाना है सीधा, फिर बिल्कुल नीचे आना है और वापस अगली लाइन को तिरछा मोड़ के ऐसे बनाएंगे, एन फॉर नेस्ट। फिर बनाना है ओ फॉर ऑरेंज। तो ऐसे देखो यहाँ गोल घेरा बनाना है और यहाँ ऊपर ऐसे लाइन खींच के निकालनी है, ओ फॉर ऑरेंज। अगला देखो पी फॉर क्या बनाना है? पीकॉक। तो पी फॉर पीकॉक बनाने देखो ऐसे बनाएंगे पी फॉर पीकॉक, पहले यहाँ लाइन को नीचे लाएंगे ऐसे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ये पी ऐसे घुमा करके थोड़ा सा ऐसे छोड़ देंगे, पी फॉर पीकॉक। फिर क्यू फॉर क्वीन बनाना है, तो ऐसे गोल बनाना है पहले घेरा क्यू फॉर क्वीन का, जैसे वो की तरह बनाए वैसे, फिर यहाँ एक लाइन बनानी है ऐसे ड्रॉ करनी है, ये बन गया पी फॉर सॉरी क्यू फॉर क्वीन। फिर आर फॉर रोज बनाना है, तो ऐसे नीचे लाना लाइन को मोड़ करके वापस ऊपर जाना है, फिर यहाँ एक ऐसा मोड़ देना है, मोड़ देने के बाद नीचे लाना है वापस ऐसे जाना है, आर फॉर रोज। इसके बाद में एस फॉर सिक्स बनाना है। तो ऐसे देखो ललित, ऐसे देखो यहाँ से लाइन ऊपर जाएगी ऐसे और यहाँ से फिर ऐसे ऊपर के आएगी और इस तरह से बनाएगी एस फॉर सिक्स। वापस ठीक बनाने इसको, देखो इधर वापस बनाता हूँ, देखो ध्यान से एस फॉर सिक्स ऐसे बनाते हैं, यहाँ से ऊपर रहेगा फिर इधर आएगा ऐसे मोड़ करके यूँ जाना है एस फॉर सिक्स। फिर टी फॉर टेन बनाना है, तो टी फॉर टेन बहुत आसान है, ऐसे जाना है और सीधा नीचे ला करके छोड़ देना टी फॉर टेन। फिर वी यू फॉर अम्ब्रेला बनाना है, तो ऐसे यू फॉर अम्ब्रेला ऐसे लाइन लेंगे,
फिर यहाँ से ऐसे मोड़ कर ऊपर जाएंगे और यहाँ से ऐसे मोड़ कर छोड़ देंगे यू फॉर अम्ब्रेला। ये थोड़ा सा गलत बन गया, वापस ही बनाते हैं इसको। यू फॉर अम्ब्रेला को ऐसे बनाएंगे और ऐसे जा करके ऊपर जा कर ऐसे छोड़ देंगे यू फॉर अम्ब्रेला। फिर वी फॉर वैन बनाना है तो ऐसे नीचे लाइन लानी सीधी, फिर ऊपर जा करके ऐसे छोड़ें वी फॉर वैन। अब बना डब्ल्यू फॉर वॉच बनाना है तो ऐसे जाना नीचे, फिर बिल्कुल सीधा ऊपर जाना है, फिर नीचे आना वापस, फिर अगला कर ऐसे सीधे जाकर ऐसे मोड़ के छोड़ना डब्ल्यू फॉर वॉच। फिर बनाना अपने को एक्स फॉर एक्सरे, तो ऐसे बनाना एक्स फॉर एक्सरे में ऐसे नीचे जाना है, फिर वापस एक मिनट थोड़ा सा सही बनाते हैं। एक्स फॉर एक्सरे बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे अंदर जाएंगे ऊपर और वापस ऐसे एक्स फॉर एक्सरे। फिर वाई फॉर याक बनाना है तो यहाँ से ऐसे जाना है, ठीक है, फिर ऐसे जा करके यहाँ बनाना वाई फॉर याक, थोड़ा सा बना लो वाई फॉर याक को तो मत ऐसे वाई फॉर याक। फिर बनाना है जेड फॉर जेबरा, तो ऐसे बनाया और ये जेड फॉर जेबरा। बोलो थैंक थैंक यू दोस्तों, यू डॉक्टर, बोलो पूरा वीडियो देखा वीडियो देखा, ऐसे आप भी समझो, मैंने भी समझ लिया। मैंने भी कितना समझ लिया, गुड बाय कितना टाटा। गुड बोल चाहता।